बार इसको पूरा ले लेते पिक क्योंकि कई लोग उतार नहीं पाते आज जैसे शीनम वगैरह छुट्टी पे तो एटलीस्ट बोर्ड पे एक बार पिक, पिक ले लो ओके डे इलेवन है ना इडियम्स एंड फ्रेजेस डे फर्स्ट है हमारा टू टॉक शॉप टू टॉक शॉप ओके व्हाट डज दिस मीन टू टॉक शॉप का मतलब क्या होता है अब तुम कल्पना करो कि कुछ वकील हैं ओके या कुछ डॉक्टर्स हैं वो क्या है आ, दिन भर अपना काम वाम करते हैं शाम को किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ भी जाके वो मेरा वो पेशेंट और उसको ये और ये फिर मैंने उसको वहाँ रेफर किया फिर ये हुआ दे आर टॉकिंग शॉप जो आपका काम है उसको आप अपने वर्क प्लेस पर डिस्कस करो वो एक अलग बात है पर आप एक सोशल गैदरिंग में हो जहाँ और भी लोग हैं जो मेडिकल साइंस को नहीं समझते उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि आपका कौन सा पेशेंट और उसको आपने क्या रेफर किया और क्या नहीं हुआ वहां बैठकर आप अपने कार्य क्षेत्र की बातें कर रहे हो विच इज इन अप्रोप्रिएट जो उचित नहीं है, है ना इस तरह के कॉन्वर्सेशन्स को कहते हैं टॉकिंग शॉप तो टॉक शॉप में बेसिकली ये चीज़ है कि किसी पेशे विश, विशेष से जुड़े हुए जो लोग हैं सपोज लॉयर्स हैं डॉक्टर्स हैं या इवन बिजनेस वाले हैं या टीचर्स हैं वॉट एवर किसी प्रोफेशन विशेष से जुड़े हुए हैं एंड वो फिर क्या करते हैं शाम के वक्त या अन्य समय पर या अन्य किसी गैदरिंग में जहाँ मेजॉरिटी तो और तरह के लोग हैं जनरल पब्लिक है जो और तरह के काम करती है आप दो चार लोग हो जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करते हो और आप वो डिस्कशंस वहाँ शुरू कर देते हो जिससे कि बाकी लोग बोर हो जाते हैं इसको कहते हैं टॉकिंग शॉप ओके व्हेन पीपल टॉक शॉप इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट देयर वर्क वे अपने कार्य क्षेत्र की बातें कर रहे हैं विच इज बोरिंग फॉर अदर पीपल हु डू नॉट शेयर द सेम वर्क और उनकी बातें बड़ी बोरिंग लगती हैं उन लोगों को जो कि उस प्रोफेशन या उस पेशे से वो कोई संबंध ही नहीं रखते ओके okay. अपनी कारोबारी बातें ऐसी जगह करना जहाँ उसका कोई औचित्य ही नहीं है वहाँ जरूरत ही नहीं है उस तरह के कॉन्वर्सेशन की आप सोशल माहौल में हो तो आप सोशल बातें करो जो सबको अच्छी लगे आप केवल अपने प्रोफेशन से जब उससे रिलेटेड बातें करते हो तो आप एक तरह से अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते हो और एक लार्जर ग्रुप बन जाता है जो कि उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं रखता और आप एक छोटा सा ग्रुप बन गए जो अपने वर्क प्लेस रिलेटेड बातें करने लग जाते हो दिस इज कॉल्ड टॉकिंग शॉप फर्स्ट सेकेंड अब ये एंड थर्ड थोड़ा सा रिलेटेड है बट मीनिंग्स में डिफरेंस है इट इज केक यानी बहुत आसान काम इट इज अ पीस ऑफ केक किसी काम के लिए कहना कि अरे उसमें क्या है दो मिनट का काम है पांच मिनट का काम है मैं तो यूं ही कर दूंगी या मैं तो यूं ही कर दूंगा बिकॉज दैट वर्क इज अ पीस ऑफ केक बहुत आसान काम जिसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करना पड़ेगा आप उस काम को आसानी से कर दोगे इट इज़ अ पीस ऑफ केक इज इट क्लियर सेकेंड थर्ड इट इज नॉट रॉकेट साइंस किसी काम के लिए जिसके लिए लोग सोचते हैं कि ये कठिन काम होगा उस काम के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं इट इज नॉट रॉकेट साइंस कोई भी कर सकता है इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कोई भी कर सकता है लर्निंग इंग्लिश इज नॉट रॉकेट साइंस इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक ऑल्सो इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक इतना भी ये भी नहीं है कि इट इज अ पीस ऑफ केक बट इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस मतलब इतना कोई कठिन काम नहीं है सोच लो कि करना है तो कर ही लोगे तो उसके लिए अपन कहते हैं इट इज नॉट रॉकेट साइंस कंप्यूटर सीखना है ना ये रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है थोड़ा टाइम लगता है सीखने में पर हम सीख ही जाते हैं आगे पीछे तो उस तरह के काम के लिए अपन कहते हैं इट इज नॉट रॉकेट साइंस मतलब नॉट समथिंग डिफिकल्ट बहुत मुश्किल काम ना होना ओके लर्निंग टू कुक इज नॉट रॉकेट साइंस है ना लर्निंग टू कुक इज नॉट रॉकेट साइंस ये नहीं है कि भाई वो लड़कियां ही करेंगी एनी बडी कैन लर्न टू कुक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इट तो ये है नॉट रॉकेट साइंस क्लियर हुआ उसका सेंस क्या है फोर्थ है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग तुम्हें पता है मीनाक्षी मैम के क्लास में कैट के बिना तो कोई <laughs> क्लास ही नहीं होगी है ना कैट तो आना ही होगा तो इसलिए टू लेट द कैट कैट नहीं कैट आउट ऑफ द बैग नहीं इस साउंड को प्रैक्टिस करो तुम लोग नहीं तो फनेटिक्स में गड़बड़ करोगे टू लेट द कैट कैट आउट ऑफ द बैग निधि टू लेट द पूरा बोलो To let the cat, yeah. cat बोलो ना तो मैंने सौ बार तो करा दिया uh, फिर भी तुम एक सौ एकवी बार केट बोलो तो मैं कैसे डॉलरेट करू टू लेट द कैट कैट अभी आके मैं मुंह खेचूंगी अपने आप साउंड निकलेगा कैट ये मास्क होता मास्क होता मुंह खोल मुंह खोल कैट कैट आउट ऑफ द बैग हाँ बैग हाँ, नहीं बैग नहीं ओके बैग कैट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब राज खोल देना पोल खोलना नहीं पोल एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव सेंस में है अपन सब ने सपोज प्लान किया है फलाने की बर्थडे है अपन सब चुपचाप मतलब एक सीक्रेट प्लान है कि अपन इसको सरप्राइज बर्थडे दे पार्टी देंगे और तुम में से एक जना जाके उसको पहले बता देता है तो नाउ यू the कैट आउट ऑफ द बैग समझ में आई तुमने राज खोल दिया तो उसका सारा मजा खत्म हो गया एक्साइटमेंट खत्म हो गया ये है कैट आउट ऑफ द बैग भाई तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदा और वो सपोज टू बी अ सीक्रेट है पर तुम्हारी छोटी बहन या छोटा भाई जो है उनको उसको तो पता है तो वो पहले आपको बता देता है कि दीदी आपको ना आपके लिए ये लेके आए तो उसका वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया मजा खत्म हो गया बिकॉज ही हैज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग वो राज खोल देना या टू गिव अवे या आउट टू गिव आउट अ सीक्रेट टू गिव अवे अ सीक्रेट इसका ये मतलब है पुल सम लेग और ये तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो अपन कहते हैं टांग खींचना तो जब हम, टांग अड़ाना नहीं टांग खींचना टांग अड़ाना तो टू पुट अ स्पोक इन है वो अलग है ये तो टांग खींचना किसी को हम चिढ़ाते हैं या मजाक में डराते हैं है ना दैट इज कॉल्ड टू पुल लेग, टू टीज और से समथिंग जोकिंगली, टांग खींचना लास्ट है आज हमारा टू कट कॉर्नर्स तो कट कॉर्नर्स हमें कोई काम करना है एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको होम साइंस का फाइल बनाना है या आपको और कुछ तैयार करना है अब आप क्या करते हो या तो पैसा बचाना चाह रहे हो या आपके पास समय कम है तो यू स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स थोड़ा इधर बचा लेते हो थोड़ा उधर बचा लेते हो थोड़ा इसको ऐसे कर देते हो कुछ वैसे कर देते हो तो आप केवल एक कॉम्प्रोमाइज लेवल पर काम कर रहे हो तो आपका काम फाइनली परफेक्शन तक नहीं आएगा वो केवल एक बहुत कॉम्प्रोमाइज uh, तरीके से काम करना टू डू समली रिमेंबर वी ड्रेस शैबिली एंड वी डू थिंग्स शॉर्डीली जहां शॉर्डिली आता है वहां शैबिली मत लगाओ जहां शैबिली आता है वहां शॉर्डिली मत लगाओ हम कपड़े कैसे भी आड़े टेढ़े कुछ भी पहन के आ गए वी आर ड्रेस्ड शैबीली एस एच ए बी बी आई एल वाई पर जब हम किसी काम को ढीले ढाले तरीके से करते हैं विदाउट टेकिंग मच इंटरेस्ट यू ही बस करने के नाम पर कुछ करके छोड़ दिया दैट इज कॉल्ड डूइंग समथिंग शोर डीली एस एच ओ डी डी आई एल वाई तो टू डू सम शॉर डीली या पुअरली खराब तरीके से इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी या तो हम समय बचाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस प्रोजेक्ट को या फाइल को या जो भी काम है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इनफ टाइम नहीं है हमने तो लास्ट मिनट में काम करना शुरू किया अब कल तक तो उसको कैसे भी प्रेजेंट ही करना है तो आप उसको शॉर्टली करोगे इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी किसी काम को आड़े टेढ़े तरीके से करना समय या पैसा बचाने के लिए दिस क्लियर ये आज के हैं आपके यू गॉट सिक्स टूडे